नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बच्चों शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। और आज हमारे जो विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है उसमें इस अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम? देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि हमारे देश में सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कैसे मिले। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता ही क्या है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम। ऐसी शिक्षा जो कि हर बालक के लिए अनिवार्य हो, कंपल्सरी हो, इसके लिए बच्चों 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुना होगा बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे, इस गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले बिल प्रस्तुत किया जिसमें अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई कि भारत में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो भारत में सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा से संबंधित बिल लाने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो आधार आया बच्चों, वो आया कहाँ से, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने कहा कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर बच्चों आपका 1966 में आता है कोठारी आयोग। कौन सा आयोग आता है, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो कि 1966 में आया, उसने भी ये बात कही कि स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा को क्या किया जाना चाहिए, अनिवार्य किया जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों हमारा भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, संविधान की, आप बच्चों सब जानते हो हमारे भारतीय संविधान में एक संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। वैसे शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा का जो विषय है बच्चों, वो संवर्ती सूची का विषय है, लेकिन शिक्षा किसको सौंपी गई है हमारे देश में, राज्यों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारा भारतीय संविधान भी नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्यों को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाए। इसके लिए हमारे देश में एक संविधान संशोधन होता है बच्चों, कौन सा, 86वां संशोधन। कौन सा संशोधन होता है बच्चों, 86वां संशोधन। ये 86वां संशोधन हुआ 2002 में। कब हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इस 86वां संविधान संशोधन में तीन बातें ध्यान रखना बच्चों, एक तो आता है आपका अनुच्छेद 21A, एक आता है अनुच्छेद 45 और एक आता है 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इस 86वें संविधान संशोधन में तीन धाराएं सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित है, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां अमेंडमेंट हुआ 2002 में। 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, इसमें कहा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का भार किस पर है, राज्य सरकार पर है। और 51A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावक शिक्षा उपलब्ध करवाए, ये उनका क्या है, कर्तव्य है। तो कुल मिलाकर की बात है
कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया उसमें साफ क्लियर किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब इसको जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार में। ठीक है, अनुच्छेद 45 है नीति निर्देशक तत्व में और ये है मौलिक कर्तव्य। ठीक है बच्चों, ये है मौलिक कर्तव्य। तो 86वां संविधान संशोधन में ये तीन अमेंडमेंट हुए और इन तीनों अमेंडमेंट के तहत हमें इस बात का पता चल गया कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी, उनकी व्यवस्था करेगी। और 51A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो है ही, लेकिन अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। तो इन सब संविधान संशोधनों और इन बिलों के माध्यम से हमारा जो ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था, इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आगे जाकर के बच्चों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है जो कि 4 अगस्त 2009 में लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा क्या है बच्चों? संसद का एक सदन है। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, और संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। और हमारा भारतीय संविधान में साफ प्रावधान है कि अगर किसी को भी संविधान में जोड़ना है, अगर संविधान में उसको अधिनियम बनाना है, कानून बनाना है, तो इन तीनों के साइन होना जरूरी है। मान लो किसी भी बिल को लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने के पास गया, राज्यसभा के पास जाने के बाद राष्ट्रपति उसका अनुमोदन देता है। अगर राष्ट्रपति जब तक अनुमोदन नहीं दे, वो बिल अधिनियम नहीं बन सकता। तो सबसे पहले 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया। उसके बाद बच्चों 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया बच्चों? पारित कर दिया। कौन से बिल को? शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया। 26 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर के साथ ही ये अधिनियम क्या हो गया बच्चों? पारित हो गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब आया? 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को, और 20 जुलाई को पहले ही राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया था? पारित कर दिया था। और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति जी ने इस पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिए। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्रदान करने का अधिकार किसको दे दिया बच्चों? केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया। 1 अगस्त 2010 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो गया। अब भारत जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित करने वाला 135वां देश है। कौन सा देश है? 135वां है। और हमारा भारत जो आज़ादी के 60 वर्ष पूरे कर चुका है, उसके लिए कौन सा अधिनियम माना जाता है? 35वां अधिनियम माना जाता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा अधिनियम है? 35वां अधिनियम है। और कौन से वर्ष में? 60वें वर्ष में यह अधिनियम पारित हुआ। इस जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसमें कुल चैप्टर कितने हैं? 7 है। 7 क्या है? इसके पार्ट है, भाग है, अध्याय है। और इसी पार्ट की धाराएं कितनी हैं इन 7ों में? 38 धाराएं हैं। और कितनी अनुसूची है? 1 अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपने क्या समझा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व
गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही प्रारंभ होता है। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल पारित किया, बिल प्रस्तुत किया, उसमें कहा गया कि स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। उसके बाद 1966 में आया कोठारी आयोग, कोठारी आयोग ने भी कहा कि स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे पहले हमारे भारतीय संविधान में एक, इसके बाद भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ। इस 86वें संविधान संशोधन में साफ कहा गया, क्या कहा गया, इस 86वें संविधान में कहा गया कि 2002 में पारित किया गया और 3 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और 51A। अनुच्छेद 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 45 में पहले था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन अब यह है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उनको प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी मानी जाएगी। फिर 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावकों के द्वारा स्कूली शिक्षा प्रदान करना उनका कर्तव्य माना जाना चाहिए। तो इन संविधान संशोधनों को देख करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया 2009 में। इसका पूरा नाम है बच्चों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। लोकसभा ने इसको पारित किया था 4 अगस्त 2009 में। सबसे पहले इसको 20 जुलाई को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। संसद के 2 सदन होते हैं, इन सदनों के द्वारा पारित होने के बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति जी के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया जाता है। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो जाता है। 60वें वर्ष में यह अधिनियम पारित होता है और भारत का 35वां अधिनियम माना जाता है। भारत जिसने कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया वो विश्व में 135वां राष्ट्र माना जाता है। इसमें 7 अध्याय हैं, धाराएं 38 है और 1 अनुसूची है। अब हम इन सब की क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिटेल पढ़ेंगे। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। 1910 से प्रारंभ होती है, गोपाल कृष्ण गोखले, कोठारी आयोग, इन सबको कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बात आती है बच्चों कि इन धाराओं में है क्या, इन धाराओं में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं बच्चों। देखो आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि 38 धाराएं, 38 क्या है, धाराएं हैं। भाग कितने हैं, 7 है। कितने हैं भाग, है आपके 7। अब बात आती है सातों भागों में है क्या, ऐसा भाग है 7। भाग 7 में से पहली अगर हम बात करें अध्याय 1 की या भाग 1 की, फिर बात करते हैं बच्चों अध्याय 2 की। अध्याय 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 2 धाराएं, धारा 1 और धारा 2, ठीक है। धारा 1 में कहा गया है कि इसका संक्षिप्त नाम रखा गया है, इसका शिक्षा के अधिकार अधिनियम का नाम रखा गया है बच्चों, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसका नाम रखा गया है। अब आता है बच्चों धारा 2 में क्या है, पहले में क्या है, धारा 1 में है इसको क्या, धारा 1 में ये बताया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो संक्षिप्त नाम क्या होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये बात इसमें कही गई है। धारा 2 में कहा गया है कि ये जो अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये मदरसों पर लागू
नहीं होगा, वैदिक पाठशालाओं पर लागू नहीं होगा, वैदिक पाठशालाओं पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा और क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है क्या? इसमें कहा गया है किस पर लागू नहीं होगा? धार्मिक प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। क्या क्या लागू नहीं होगा? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम इन सब पर लागू नहीं होगा। ये आपके अध्याय वन में कहा गया है। अब आप बात आती है धारा वन की, अब आती है बात धारा दो की। धारा दो की अगर हम बात करें बच्चों, तो धारा दो में कई उपधाराएं हैं। क्या है? उपधाराएं। इन सब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ बच्चों। सबसे पहले कहा गया है समुचित सरकार। यहाँ पर समुचित जो सरकार है बच्चों, उसका आशय यहाँ पर क्या है? राज्य सरकार व संघ सरकार। यहां पर यह कह रहा है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का जो दायित्व है वो राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों सरकारों का है। यहां पर उपधारा में पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों? समुचित सरकार। क्या आएगा? समुचित सरकार। समुचित सरकार में क्या बताया मैंने? कौन कौन आएगा समुचित सरकार में? एक तो राज्य सरकार, एक आएगी आपकी संघ सरकार। ठीक है बच्चों, तो ये समुचित सरकार के अंतर्गत आएगी। दूसरा बताया बालक। इसमें अनिवार्य एवं बाल शिक्षा जो है, आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को इस अनिवार्य शिक्षा में शामिल किया गया। तो यहाँ पर बालक का अभिप्राय है 6 से 14 वर्ष तक के बालक। फिर आता है बच्चों दुर्बल बालक। दुर्बल बालक कौन कौन से हैं बच्चों? देखो दुर्बल बालक बच्चों वो बालक होते हैं जिनके माता पिता या पिता की आय 2.5 लाख से कम हो। अब तो अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब राज्य सरकारें इसका अलग कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका आंकड़ा दिया है कि जो दुर्बल वर्ग है, दुर्बल वर्ग में वो बच्चे शामिल होते हैं जिनके माता पिता की इनकम 2.5 लाख से क्या हो? कम हो। वो बच्चे दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बात आती है बच्चों अब किसकी? प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? पहली कक्षा से लेकर प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब आपने आप इस प्रारंभिक शिक्षा के ही 2 पार्ट है बच्चों। क्या? एक तो होती है प्राथमिक शिक्षा, एक होती है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक 6 से 8 और प्राथमिक 1 से 5, इन दोनों का मिला जुला रूप है प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब यहाँ पर है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में शामिल किया गया है। फिर आता है बच्चों क्या? प्रारंभिक शिक्षा हो गई। इसके बाद आता है असुविधाग्रस्त बालक, जिनको अवसरों की उपलब्धता नहीं है, जो बालक अपवंचित है, जिनको पढ़ने लिखने में अवसरों की उपलब्धता नहीं है, जो आर्थिक व सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से दुर्बल है, मतलब जो अन्य बालकों के समान नहीं है, उन बालकों को हम असुविधाग्रस्त बालक कहते हैं। अब आता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इसके तहत जो भी समस्या आएगी निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में, उन समस्याओं का निपटारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग करेगा, और जबकि राज्य सरकार के हित में या राज्य लेवल पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों क्या कि आपने देखा कि धारा दो में क्या है? धारा दो में कई उपधाराएं हैं और उन उपधाराओं में कुछ अर्थ बताए गए हैं कि जो भी इस अध्याय में
जो भी इस अधिनियम में जो शब्द आएंगे उनका मतलब क्या है। तो आपने सबसे पहले देखा समुचित सरकार का मतलब। समुचित सरकार से यहाँ पर अभिप्राय क्या है बच्चों, राज्य सरकार व संघ सरकार से है। बालक यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शामिल किया गया है। उसके बाद आता है तीसरा दुर्बल वर्ग। कौन सा आता है? दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग में कौन कौन से आते हैं? जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम हो वो बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है प्रारंभिक शिक्षा, 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा में 2 स्तर आते हैं बच्चों, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर 1 से 5वीं क्लास तक और उच्च प्राथमिक 6 से लेके 8 तक के आते हैं। उन दोनों को मिला करके इसको कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। तो बच्चे को कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने का अधिकार अधिनियम। फिर आता है असुविधाग्रस्त, SC ST पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं वो असुविधाग्रस्त बालकों के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बालकों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित समस्याओं का निपटारा करेंगे। उसमें न्यायालय में उस मामले को नहीं लेकर जाया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो आज आपने क्या पढ़ा? अध्याय फर्स्ट के बारे में पढ़ा। इसके बारे में पढ़ा, अध्याय फर्स्ट के बारे में पढ़ा कि अध्याय फर्स्ट में क्या है। अध्याय फर्स्ट में आपने देखा कि 2 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं। उन दोनों धाराओं में पहली धारा में कहा गया है कि इसका इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होगा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसका संक्षिप्त नाम ये होगा। ये बात धारा पुस्त में कही गई है। इसके अलावा कही गई है कि मदरसों, वैदिक पाठशालाओं, धार्मिक प्रशिक्षण वाले विद्यालयों और संस्थाओं में ये चीज लागू नहीं होगी। उसके बाद कहा गया है कि धारा दो में कई उपधाराएं हैं और उनमें कई वर्ड्स के बारे में बताया गया है। समुचित सरकार, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार और आपकी संघ सरकार आती है। बालक के बारे में बताया है कि इस शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शामिल किया जाता है और इसमें असुविधाग्रस्त बालक किसको कहा जाता है, दुर्बल बालक किसको कहा जाता है। दोनों में फर्क ध्यान रखना बच्चों। जहां कहीं भी दुर्बल बालक आए इसका मतलब है जिनके माता पिता की आयु 2.5 लाख से अधिक ना हो वो बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। असुविधाग्रस्त बालकों के अंतर्गत जो कि SC ST OBC अनाथ, कैंसर, HIV से पीड़ित जो बालक है वो सब असुविधाग्रस्त बालकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दुर्बल वर्ग बता ही दिया मैंने। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। एक आता है आपका प्रारंभिक शिक्षा, 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो ये कुछ वर्ड्स आपकी धारा 2 में है। तो अध्याय 1 में कितनी धाराएं बच्चों? 2 धाराएं हैं। कितनी हैं? 2 धाराएं हैं। धारा प्रश्न में संक्षिप्त नाम और इन पर लागू नहीं होगी। धारा 2 में कई उपधाराएं दी हुई है। क्या दी हुई है? कई उपधाराएं दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है अध्याय 2 में क्या है। देखो बच्चों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में। समस्त देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 7 है। कितने अध्याय हैं? 7 है। कौन से अधिनियम में? शिक्षा के अधिकार अधिनियम में। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हुआ, जिसमें की अध्याय है आपके कितने? 7 और धाराएं कितनी हैं? 38, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 2
में क्या क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम वाला बच्चों ये जो टॉपिक है ये ना केवल सीटेट, ना केवल रीट, बल्कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है बच्चों उनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझाऊंगी और आप इसकी जितनी भी धाराएं हैं उनको अगर सही तरीके से देखेंगे बच्चों तो आपको पता चल जाएगा कि समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कितना बड़ा योगदान है। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो आप मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स की एक शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाएं और मेरे वीडियोस को जितनी ज्यादा हो सके लाइक्स करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।